गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में चलना हमारा काम है इस पद्य के बारे में जानकारी दी है। तो आज हम पोयम देखेंगे। जो पोयम यहाँ लिखा हुआ है वो वैसे ही आपको लिखना है बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे। चलो, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। यह प्रथम पैराग्राफ यानी पंक्ति हो गए। सेकंड पंक्ति, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। दो पैराग्राफ हुए देखो बच्चों, अब एक लास्ट बचा हुआ है पैराग्राफ। कुछ साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कवि परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन जी, इनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 में हुआ है। स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के झगरपुर में हुआ है। इनकी रचनाएं युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, प्रकृति पुरुष आदि। और उनके उपाधियाँ यानी कौन कौन से उन्हें उपाधि मिली है, पद्मश्री उपाधि, पद्मभूषण, भारत भारती, शिखर सम्मान आदि उनको उपाधियाँ मिली है। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई है। नेक्स्ट शब्दार्थ, गति, गति यानि चाल, पैर यानि पांव, दर यानि द्वार, रास्ता यानि मार्ग, मंजिल लक्ष्य, विराम यानि विश्रांति, खोज यानि ढूंढना, शोध लगाना, पग, पग का अर्थ कदम, रोड़ा यानि रुकावट, बाधाए, कष्ट। नेक्स्ट अटकता रहना यानि रोकना, और अभिराम यानि सुंदर। यह हुए शब्दार्थ। नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर दीजिए की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, पैरों में कैसी गति भरी है। उत्तर, पैरों में प्रबल गति भरी है। नेक्स्ट, कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है। उत्तर, कवि के अनुसार मंजिल पाने तक विराम नहीं है। नेक्स्ट, हमारा काम क्या है। उत्तर, चलना हमारा काम है। नेक्स्ट, कवि किसकी खोज में भटक रहे हैं। उत्तर, कवि पूर्णता की खोज में भटक रहे हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक पग पर क्या
अटकता रहा है। उत्तर, प्रत्येक पग पर रोड़ा अटकता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसकी गति रुकी नहीं है। उत्तर, जीवन की गति रुकी नहीं है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, चलना हमारा काम है के कवि कौन है। उत्तर, चलना हमारा काम है के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। तो बच्चों, यह हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले आपको पोयम लिखना है, कवि परिचय लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखिए। अगले वीडियो में हम 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए और जो ग्रामर है वो हम क्या है देखेंगे। अच्छा बच्चों, तो आपको क्या है ये सब फेर में लिखना है। समझ में आया बच्चों? ओके, धन्यवाद बच्चों।